अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? और आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ मुंबई की बहुत ही फेमस स्ट्रीट स्टाइल फूड, दैट इज़ वड़ा पाव। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिए 6 अगर उबले हुए आलू हैं। आलूओं को मैंने उबाल लिया है, और अब जब भी आलूओं को उबालो तो आपने इसका पानी तुरंत स्ट्रेन कर लेना है और इसे इस तरह से पील करके रख देना है। तो इससे आपके बड़े ख़राब नहीं होंगे, फटेंगे नहीं व्हेन यू फ्राई देम। मसालों में मैंने लिया है, दिस इज़ 1/2 कप ऑफ कोरिएंडर लीव्स जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, 1/2 टेबल स्पूनफुल ऑफ मस्टर्ड सीड्स यानी कि राई, 1/2 टेबल स्पून ऑफ टर्मरिक दैट इज़ हल्दी, सम करी लीव्स, वन फोर्थ टेबल स्पूनफुल ऑफ यानी 1 टुकड़ा जिंजर का अदरक का जिन्हें मैंने चॉप कर लिया है, 2 to 3 ग्रीन चिलीज़ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, एंड 1/2 टेबल स्पूनफुल ऑफ सॉल्ट। मैं वड़े के साथ जो उसकी फेमस रेड चटनी मिलती है, दैट इज़ गार्लिक चटनी, उसकी भी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उसके लिए हमें चाहिए ये 10 से 12 कलियाँ लहसुन की हैं, 1 टेबल स्पून फुल ऑफ सेसमे सीड्स, वाइट सेसमे सीड्स दैट इज़ सफ़ेद तिल, 1 टेबल स्पून फुल ऑफ पिनट्स, 4 से 5 कलियाँ सूखी लाल मिर्चों की, ड्राई रेड चिलीज़। अगर आपके पास ड्राई रेड चिलीज़ नहीं है तो आप रेड चिली पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, एंड दिस 1/2 कप ऑफ ड्राई कोकोनट यानी कि सूखा नारियल जिन्हें मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है, एंड हसबे ज़रूरत नमक हमें इसमें इस्तेमाल होगा, एंड दिस 2 कप्स ऑफ बेसन। तो सबसे पहले हम आलूओं को मैश कर लेंगे और हमें आलूओं को तड़का देना है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए हमने आलूओं को एक बोल में ट्रांसफ़र कर दिया है, अब हम इसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे, फिर मैं आपको इसे अच्छी तरह से मैश करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने इसे अच्छी तरह से मैश कर लिया है, और इसी तरह से हमें इसे मैश कर लेना है ताकि जब हम तड़के में इसे शामिल करें तो इसमें कोई किसी तरह की लम्स ना हो। अब हम हमारा तड़का स्टार्ट करते हैं। तड़का स्टार्ट करने के लिए मैंने गैस पे पैन रख दिया है, और पैन में मैंने जस्ट 2 टेबल स्पूनफुल ऑफ ऑयल डाला है, और अब हम इसमें शामिल करेंगे राई, प्याज के ऊपर जो मस्टर्ड सीड स्टार्ट स्लैटरिंग। राई शामिल करने के बाद एज मस्टर्ड सीड स्टार्ट स्लैटरिंग यानी कि तड़कने लगे, तो हम इसमें डालेंगे कड़ी पत्ता, चॉप जिंजर, हल्दी, ग्रीन चिलीज, और इन्हें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये हल्का सा हमें भूनना है, कुछ 10 से 15 सेकेंड्स के लिए बस हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। देखिए 10 से 15 सेकेंड्स हो चुके हैं, अब हम इसमें आलू शामिल करेंगे, मैश पोटैटोस, और अब हमें इसे मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है ताकि ये जितने भी मसाले हैं ये आलूओं में अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने मसालों को आलू में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, एंड द पोटैटोज हैव स्टार्टेड लीविंग द पैन। देखिए हमने इन्हें 1 से 2 मिनट तक इसी तरह से हिलाते हुए पकाया था, तो देखिए सारा मसाला आलू में अच्छे से मिक्स हो चुका है, तेल भी, और ये देखिए इस तरह से पैन छूने लगा। तो अब जब इस कंसिस्टेंसी पे ये आ जाए कि ये पैन छोड़ने लगे इस तरह से फुल, तो हमें इसमें अब शामिल करना है आलू और कोथमीर, सॉरी सॉल्ट एंड कोथमीर, कोरिएंडर लीव्स एंड सॉल्ट। सॉल्ट हमने लास्ट में इसलिए डाला है क्योंकि ये आलू जो बटाटे वड़े के जो आलू है फिर ये ना पानी छोड़ने लगते हैं, देन अवर वड़ा विल स्टार्ट गेट स्पॉइलिंग, इसलिए हमने इसे लास्ट में डाला है, नमक और कोथमीर। अब अगेन हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया, और मैंने अपनी गैस बंद कर दी है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, और तब तक हम हमारे जो बेसन का बैटर है उसे तैयार करते हैं। देखिए मैंने बेसन को बोल में ट्रांसफ़र कर लिया क्योंकि इसे हमें अच्छे से फेंटना होगा पानी डाल के, तो वो जो बोल था वो छोटा था तो मैंने इसे बड़े बोल में ट्रांसफ़र किया, और अब इसमें मैंने
आधा चम्मच नमक डाला है, दिस हाफ टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, आधा चम्मच मैंने टर्मरिक पाउडर डाला है और जस्ट वन पिंच ऑफ बेकिंग सोडा वो डाला है मैंने, और जस्ट एक चुटकी अगेन हींग का, दैट इज एसाफेटिडा। और अब इन सारी चीज़ों को, दैट इज़ नमक, हल्दी, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और हींग को अच्छी तरह से हम बेसन में मिक्स कर लेंगे, द ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, पानी में मैंने आधा कप लिया है, पर हमें इसे बहुत एहतियात से डालना है, इसका जो बैटर है हमें थिक रखना है, वरना अगर जब हम इसमें वड़े का वड़ा डिप करेंगे एंड फ्राई तो वो वड़े से छूटते जाएगा, लगेगा नहीं अगर पतला होगा तो, और हमारे जो वड़े हैं बटाटा वड़ा, दैट विल गेट स्पॉइल्ड। बहुत एहतियात से हमें इसमें पानी शामिल करना है और इसे इस तरह से मिक्स करते जाना ताकि इसमें कोई लंप ना रहे। और मेरा बैटर अभी थोड़ा सा और थिक है तो मैं इसके लिए थोड़ा सा और पानी लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मैंने इसमें, मेरा बैटर थोड़ा और थिक था तो मैंने और एक चौथाई कप, दैट इज़ 1/4 कप ऑफ पानी डाला है, और इसे हमें अच्छी तरह से फेंटते जाना है। इसमें जितने भी जो लम्स अभी आप देख रहे हो, ये लम्स नहीं होने चाहिए, तब तक फेंटना है हमें। और इसमें हम हल्के से अगेन और थोड़ा सा पानी डालेंगे क्योंकि बैटर बहुत ज़्यादा थिक है। बस अब मैं इसे अगेन आपको फेंट के दिखाती हूँ। तो देखिए, आवर बैटर इज़ रेडी। ये देखिए, हमें इस तरह का, जब हम इसमें स्पून डालें तो ये ऐसा फ्लोई हो, बहुत ज़्यादा फास्ट ना गिरे, थोड़ा सा थिक हमें चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं वरना सिर्फ बेसन ही रहेगा, जस्ट लाइक दिस। तो इस तरह की थिक कंसिस्टेंसी जब आ जाए तो आपको इसे और पानी नहीं डालना। अब हम इसकी चटनी तैयार करते हैं जो मैंने आपको, अब हम चटनी की तैयारी करते हैं। तो चटनी के लिए मैंने फ्राई पैन को अगेन गैस पे रख दिया और उसी फ्राई पैन में जिसमें हमने आलूओं को रोस्ट किया था उसमें हम चटनी को, जो मसाला है उसे रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले, और मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑफ ऑयल डाला है और हमारी गैस पास है। अब हम इसमें ये जो गार्लिक्स हैं इसे डालेंगे और पिनट्स, और इसे हमें हल्का सा ब्राउन होने तक रोस्ट करना है, द गार्लिक्स एंड द पिनट्स। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे, फिर इसके बाद हम बाकी मसालों को डालेंगे। ये हमारे जो लहसुन यानी गार्लिक अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं एंड विद द पिनट्स, अब हम इसमें सारे जो हमारे बाकी के मसाले हैं, दैट इज ड्राई कोकोनट, द रेड चिलीज, ड्राई रेड चिलीज एंड सेसम सीड्स, इन्हें भी हम तकरीबन 1 मिनट तक इसी तरह से भूनेंगे और अच्छी सी स्मेल आ रही है इसमें से। अब हम इसमें शामिल करेंगे नमक, दैट इज 1/2 टेबल स्पून, आधा चमची नमक, इसका टेस्ट हल्का सा नमकीन जैसा होता है इसलिए इसमें नमक ज़रा ज़्यादा पड़ती है, तो इसलिए मैंने इसमें 1/2 टेबल स्पून नमक डाला है। अब इसे हम तकरीबन 1 मिनट तक भुनेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, तकरीबन 1 मिनट हो चुके हैं और बहुत अच्छी सी इसमें से स्मेल आ रही है, यानी कि ये जो हमारे ड्राई मसाले हैं ये भुन चुके हैं। अब हम इसकी गैस बंद करते हैं और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हमें पीसना है इन्हें। तो जब तक ये ठंडे होते हैं हम जो हमारा बटाटा वड़ा, हम वड़े तैयार करते हैं। तो देखिए, हमारा जो आलू का जो बैटर है वो अच्छे से ठंडा हो चुका है, अब हम इसके वड़े तैयार करना स्टार्ट करते हैं। इस तरह से, ये हल्के से अभी भी गर्म है पर इतना नहीं है कि हम बना नहीं सकते इसे, तो इस तरह से हम इन्हें लड्डू के आकार में शेप देते जाएंगे। देखिए इस तरह से, इस तरह से हम इसे शेप देते जाएंगे। देखिए, मैंने अभी फिलहाल 3 तैयार किए हैं। इस तरह से हमें गोल गोल लड्डुओं का शेप देके वड़ों को तैयार करना, और इसी तरह से मैं बाकी तैयार करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, हमने चटनी पीस ली है और देखिए बिल्कुल इस तरह से, ये हल्की सी दरदरी होती है, इस तरह से हम इसका ये पेस्ट रखना है और बहुत अच्छी बनी है गाइज। इस रेसिपी को इस चटनी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हमारी फ्राइंग प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने फ्राइंग के लिए गैस पे कढ़ाई रख दी और इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है, और अब हमारी गैस फास्ट है,
अब हम हमारे वड़े तलना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो वड़े मैंने बना के रखे थे वो, और मैंने बैटर को इसमें ट्रांसफ़र कर दिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम एक इस तरह से वड़ा लेंगे और हमें इस तरह से इसमें डिप करना है और इसे हल्के से बहुत ही एहतियात से हमें इस तरह से इसमें डालना है अपसाइड डाउन। इस तरह से हमें इसमें बेसन को फ्लिप करना है और फिर हमें इसे कढ़ाई में भी जब आप डालें तो ज़रा एहतियात से डालिएगा, क्योंकि व्हेन यू पुट इट इट स्टार्ट्स पुटिंग अगेन। हम दूसरा वड़ा लेंगे और इसके ऊपर से इसे चारों तरफ से बेसन में कवर करना है, देखिए इस तरह से। और स्पून भी जब हम लगा रहे हैं तो ऊपर से लगाइएगा, क्योंकि अगर ये आलूओं में स्पून अगर लग जाएगा तो वो टूटेगा एंड देन ये बड़े में बिल्कुल से फ्राई नहीं होगा। देखिए इसी तरह से एक और, आलूओं को बैटर में डालते जाएंगे और फिर हम इसे कढ़ाई में शामिल करते जाएंगे। एक और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने इस तरह से वड़ा ले लिया है, इसे हम बैटर में डाल देंगे हल्के से। इस वक्त हमें बहुत एहतियात करना है गाइस कि हमारे वड़े फटे नहीं। और इसी तरह से मैं आपको बाकी के भी करके दिखाती हूँ। ये तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और इनकी एक साइज़ अच्छे से कुक हो चुकी है, देखिए आप देख सकते हो। और अब हम इसकी साइज़ चेंज करते जाएंगे। मैंने एक बैच के 6 वड़े डाले हैं, देखिए दूसरी साइड से भी हो चुके हैं। और ये देखिए गाइस बिल्कुल बेसन से बाहर नहीं आए हैं वड़े, बहुत अच्छे तैयार हुए। तो बस इसी तरह से ऐसे एहतियात से आप बनाओगे तो आपको बिल्कुल मार्केट साइज़ ही, ये मार्केट के जैसा ही आपको देखिए इनके मिलेगा। और हमारे तेल में भी आप देखोगे ज़रा भी आलू फटा या कुछ नहीं हुआ। एक और आपको दिखाती हूँ, ये देखिए माशाल्लाह से कितने खूबसूरत तैयार हुए, एकदम बाजार जैसे। और अब इसी तरह से मैं बाकी के भी आपको ट्राई करके दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दूसरी बैच में सिर्फ 3 ही डाले थे ताकि मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा सकूँ। ये देखिए गाइस ये बिल्कुल भी नहीं फटे हैं और देखिए हमारी ऑयल भी ज़रा भी आलू नहीं है इसमें। तो अगर इसी तरह से हम एहतियात से बनाएंगे तो ये बिल्कुल नहीं फटते, ये बिल्कुल मार्केट स्टाइल बनते हैं। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। वड़ा मैंने तैयार कर लिया है और ये इसकी चटनी है। मैंने ज़रा सा ग्रीन चिलीज फ्राई कर ली थी एज दे फ्राई इट ऑन द स्ट्रीट साइड। अब मैं पाव में हल्का सा मोनो स्प्रिंकल चटनी और इसमें इस तरह से वड़ा रखेंगे अगेन। इस तरह से और मैं आपको एक तोड़ के भी दिखाती हूँ गाइस। ये देखिए ये अंदर से भी कितने अच्छे बने हैं। सो डू ट्राई दिस रेसिपी, इज एन अमेजिंग रेसिपी गाइस। तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है, मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।